अस्सलाम वालेकुम। ये मैं ईरान की मैं ट्राई लेके आया हूँ। लेफ्ट राइट कटाई पे आवाज़ कर रही थी, इसके गोड्डे चेंज करेंगे आज। ये टायर मैं खोल लेता हूँ इसके। अब इसका मेन ये गोड्डे वाला नट खोल लेंगे। दोनों साइडों के खोल के इसके गोड्डे चेंज करेंगे आज। इसके बाद नीचे इसके चिमटे का बॉल जंट काबला लगा होता है, वो खोल के चिमटा बाहर निकाल के फिर गोड्डा निकालना पड़ता है। ये वाला चिमटे का बोल्ट है, ये खोल के हेल्पर रॉड को नीचे की तरफ दबाएंगे तो गोड्डा निकल आएगा। ये एक साइड का गोड्डा निकाल रहा हूँ मैं। ये निकाल लिया, ये अब दूसरी साइड का निकालेंगे। पेचकस से नीचे से जोर दे के निकालना पड़ता है, क्योंकि इसकी गोड्डे की किट निकल जाती है, निकालते वक्त बूट फट जाता है। ये मैंने निकाल लिए हैं गोड़े। ये देखें इसकी किट्टे बिल्कुल फारिग हैं, ये चेंज करवा लेंगे, ये नहीं डाल देंगे। ये मैंने इसकी किट्टे नहीं डाल दी हैं। पहले नीचे बल्जियन को बिठा के ये बाल जंड को इस तरह नीचे की तरफ दबा के बिठा लेना चाहिए। अब इसको टाइट कर देंगे फुल। इसको अगर ढीला छोड़ देंगे तो जंपों में आवाज़ करेगी, बाल जंड निकलने का भी खतरा होता है। ये दोनों साइडों के मैंने गोड़े लगा लिए हैं, अब फाइनल पे व्हील लगाएंगे। व्हील लगाने के बाद इसके गोड़े निकालते हैं तो गेरल निकल जाता है। अब इसका गेरल जो निकला हुआ है वो डाल देंगे। ये है इसकी गेज, इधर से इसका गेरल डाल सकते हैं हम लोग। ये इसकी गेज है, यहाँ तक होनी चाहिए। गेरल कम होगा तो गेयर में आवाज़ आने का खतरा होता है, इसलिए गेरल पूरा होना चाहिए। ये इसका गेरल निकला था, नीचे से निकाल लेते हैं। ये डाल के अब कंप्लीट कर दी है मैंने। इसकी ट्राई ली है, ओके, कोई मसला नहीं है।